सुन करके आज ये महाराज भरत सिंह तुम्हें एक इनाम देना चाहता है। और हवलदार हुकुम रामबली, हम जानना चाहते हैं कि इस खुशी में इस भरी जनता के सामने महाराज जी हमको क्या देना चाहते हैं। कौन सा इनाम है, हम भी तो सुन रहे हैं। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस खुशी में और इस भरी जनता के सामने हमें कौन सा इनाम देना चाहते हैं। महाराज जी, सेनापति उत्तम सिंह जी, तुम्हारे कार को देखकर तुम्हारी बहादुरी में खुश होकर हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे भरी राजदरबार के सामने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। धन्य महाराज जी, धन्य। इस बात को सुन करके हमारी तबीयत बहुत खुश हो गई। आज तुम अपने बंगले जाओ, आज तुम अपने बंगले जाओ, अपने बीवी और बच्चों से मिलो, लेकिन याद रहे कल सुबह 10 बजे भूलना मत, क्योंकि गोल्ड मेडल देकर के हम तुम्हें इसी भरी राजदरबार में सम्मानित करेंगे। रुक महाराज जी, कल सुबह 10 बजे का इंतजार करेंगे। रघु सिंह, तुम हमारी सूरत नदी प्रजा की देख रेख इसी प्रकार से करते रहना, हम सुन रहे हैं जो हमको महाराज का। देखो भाई, बाप रे, महाराज जी जब मैं सेनापति जी हर के बहादुरी में खुश हो गए, महाराज जी फोन लगवाए और वहां से बुलवाए बॉर्डर से, आज तक हुआ चौन सिपाही का जिंदा लौट के नहीं आवा। लेकिन जब खूब रक्षा कर रहे थे, बढ़िया पहुंचे हुआ सेफ्टी से, बॉर्डर को सेफ्टी में रखते हैं और जितने जवान भी है वो भी सेफ बचे हैं और आतंकवादी भी मारे जाते हैं जो आते हैं, तो महाराज जी खुश है और खुशी के मारे इनाम दे जाते हैं। इनाम दे जाते मंत्री ये तो देखो साले का कसम से फूले पचकेला मिनिया के रहते हैं मां, आगे बढ़े तो सोचे कि रोक लो, मगर हमरे मारे जब साला पढ़ का आवे हम पीछे जा रहा हो सुहरा दे साला फिर खड़ा हो जाए। हाँ, लेकिन भाई एक साले का सोचे का चाहे महाराज दे रहे कौन मेरे बात की जा रही है, कौन हमरे बाप किया जान दे महाराज दे थे खुश होके दे थे हम हूँ वाला काम कर तो हम हूँ को मिली। लेकिन सारा फूल फूल पचरंग वाली बन जा रहा था सब हटाओ, लेकिन भाई हम करती कुछ महाराज जी है की है, मान लो सेनापति जी हमका गोल्ड मेडल दे रहे हैं तो एक कम से कम ट्विटी का फाटे गोवा देते अपन टोरस दे चाहे, मान लो कहे वाली बात ये भाई है। देखिए मंत्री है देख ले और सारे इतना भूगत पाठक है, सेनापति जी है कितने खुश है, महाराज जी हमारे कितने खुश है, हम लोग सब खुश है, लेकिन ये सारा तो दोपहर चलन हो रही है। कोई बात नहीं, हम इंतजार करते लंबादार का घोड़ा भी आ रहा है, आराम से हम बैठते देखते क्या होता है आगे। है। मगर आज जब उपकार देने का समय आया
सम्मान किसका हो रहा है? वह का सम्मान हो रहा है सेनापति। आज मेरा खेल खेल रहा है और तुझे सारे मजा आ रहा है। और आज सोने का मेडल किसे मिलने जा रहा है? सोने का मेडल, मेडल गोल्ड माने रुपया है तो सोना, और मेडल माने सम्मान। कल भरे दरबार में इतनी बड़ी न्याय के सामने उत्तम सिंह का सम्मान होगा सोने के मेडल के साथ। और मैं ये नाखो खड़ा सिंह जमीन का रही करेगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस सूरत पर विरासत में अगर राघव का सम्मान नहीं होगा तो इस सूरत कर रियासत में किसी का नहीं होगा। उत्तम सिंह के जिंदगी में राघव क्या सैलाब लाएगा। और मैं अपने जाली में राघव तो हम पागल अपने गांव का ही ढोल भटक के पहुंच गए।
तो कसम से अगर ठाड़े ठाड़े न मर गई तो हमरो नाम है। हाँ, ये सारा जमता चौक रहा है ना तीर रहा, कसम से हमका तो हमका तुम्हों का हम पथ है। बात है सूरत गढ़वाले वासियों, ये समझ लो हमरे खिलाफ कौनो बोला तो के घर में ताला लगवा दे। अब कहते तुम्हारे दर पर मैं होते हूँ, मैं बैठो तो नौकरी में न होते तो कसम से मरते सारे कटीला खींच के भीतरे घुस जाते हो। मैं तुम्हारा पंचन का मुंह देख क्या रुक जाते हो कसम मालिक की। अरे ये सब पोजीशन ना दिखाओ थे मोरे, अगर पोजीशन ना दिखाओ तो मैं मुख बहुत तेरा थे ये सारे कसम से। सबके आगे इज्जत कर देती है, ऐसे इज्जत कर देती भैया हमसे ऊंचे पद भी में है ना भाई। देखो ये मंत्री कहाँ है राज दरबारी वैसे ऊंचे पद में है, यार तुम्हें इज्जत करते ना यार मारी थी मां के भीतर का जो मैं भीतर पहुंच जाऊं कसम से तंगे तंगे ताई मोरे हाथ तक बस ले मेरे खिलाफ इन लोगों की आवाज उठवा रहा था। बिल्कुल
मेरे खराब के लोगों को आप इन लोगों को उठा रहा था। मेरे खिलाफ बगावत पैदा होगी शिवागढ़ में, बिल्कुल मेरे खिलाफ भी लोग अपनी आवाज उठाएंगे। ताली बजाने वालों, मेरा नाम राघव है। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठी या ताली बजी तो कसम काली मैया की रियासत में जो भी चलेगी तो ये लाखों सिंह चलेगी, शायद रख लेना। और उठा बजे चल देश सेवा नायक उत्तम सिंह को मैं देश जो ही किस तरह से फैलाऊंगा। और चाहिए